जी कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचार की निशानी है, समझ रहे हैं आप। और यही भ्रष्टाचार की निशानियां होती है, जहाँ भ्रष्टाचार की निशानी नहीं होती वहाँ पे सारे साइन पूरे होते हैं। और ये मेल भी खाता है, पुराने दिखाइए ऐसे ही। हमारी सब रजिस्टर कार्यालय में कोई भी हार्ड कॉपी नहीं रहती। और तीसरा मुझे ये दिखाइए, जो एक्सपायर हो जाती है, फाइनल रजिस्ट्री हो जाती है, उसको तहसील भेजने का हिसाब होगा। क्यों पड़ी थी बड़ी रजिस्ट्री आपकी? 14 अगस्त को लेने नहीं है? 4 अगस्त को लेने नहीं है? नहीं। आप क्या करते हो? अब तो उनका एडवोकेट आप कितना टाइम हो गया है? कितना टाइम हो गया है? बोल रहे तो सर हो गया 5 साल से ज़्यादा हो गया। इसी जगह पे सर इस बार होना तो सर 5 साल से लास्ट ईयर आपने इतनी पुरानी पुरानी रजिस्ट्री थी वो तभी जब मैं मुआयना एक बार कर चुका और बोल चुका हूँ कि पुरानी रजिस्ट्री यहाँ पर नहीं पड़ी रहनी। पच्चीस जून की रजिस्ट्री को इन्हें ले गया, मुमकिन है ऐसा? क्यों पड़ी हुई आपके पास? सर पढ़ाई मतलब हम तो बड़े परेशान हैं इस चीज़ से। लोग परेशान हैं तो भी आसान से जमा हो ना। आप लोग की पोस्टिंग कौन करता है यहाँ पे? आई जी। कौन आई? आपकी पोस्टिंग मतलब सेमेस्टर इस वाले में आई जी ने करी है जी। और 5 साल हो गए यहाँ पे आपको जी। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर? डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके पास कितनी पुरानी बड़ी मैडम? इधर आओ भाई, तुम क्या हो? ये जिस जिस तारीख की रजिस्ट्री यहाँ पे पेंडिंग है इसकी लिस्ट बनाओ और नंबर नोट करो इनके जो भी लिस्ट मेरे पास है। और 19 सारी, इसके अलावा और कितनी है? और इसके अलावा और क्या रखी है आपने? नहीं सर पेंडिंग यही है। अब स्कैन वाले देखो और तहसील जो जाती है वो दिखाइए। तहसील भेजने का क्या सिस्टम है? एक सितंबर का ही ना है तो इससे पुराना भी तो होगा। दिखाओ सारे दिखाओ, सितंबर से ही आप गिन लोगे तो ये तो सैकड़ों में आ जाएंगे। साइन नहीं है ये, कहाँ है इसमें भी साइन का? केल है तो सारी ये सेल लिखा है ना, कोई रिसीविंग है इसमें? तो रजिस्ट्री कहाँ है? क्या इसी के अंदर है? कितनी है भाई ये तुमने? सर 67 67। तो फिर तो ये 67 ही होना चाहिए ना, 67 ही तो होना चाहिए फिर ये, अगर ऐसा है तो। क्या जंगली जगह मतलब? अभी गिनती के कितनी है और ये कितनी है, इसमें ठीक करने का क्या है?
साइन छोड़ दो मतलब ले जाने का मतलब तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और नहीं ले जाने के लिए तुम बोल रहे हो कोई आता नहीं है तो हम क्या माने इसको भैया फिर तो मतलब मैं इनको भी रद्दी में फेंक दूं तो आप बोलोगे नहीं ले गया होगा साइन करना भूल गया होगा ये बोलोगे तो फिर क्या हिसाब किताब है इनका जी कुछ नहीं है ये भ्रष्टाचार की निशानी है समझ रहे हैं आप और यही भ्रष्टाचार की निशानियां होती हैं यहाँ भ्रष्टाचार की निशानी नहीं होती वहाँ पे सारे साइन पूरे होते हैं और ईमेल भी खाता है पुराने दिखाइए ऐसे ही अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ ना आपका अप्रैल के बाद दिखाइए सारे अप्रैल के बाद दिखाइए सारे जी है ना अप्रैल के बाद आपका और इसमें कितनों में साइन नहीं है मुझे शाम तक चाहिए लिस्ट बना दी कितनों में साइन नहीं हो रहा फिर मैं डाली करूँ कभी पूरे करियर का इंतजाम करके जाऊँगा आपका डेट है कब तक की अपडेट है रजिस्ट्री जल्द में दिखाऊँ मुझे ये क्यों दिखा रहे हो इतनी जल्दी तो बनाओगे हाँ आपकी जो जल्द बनाते हो आप ये हर महीने बनाओगे या नहीं बनाओगे कब करते हो पूरी अभी आपके पास प्रिंट भी है और प्रिंटर भी है और कागज भी है तो आपने कब तक की जल्द बनाई दिखाई है क्या यहाँ दिखाओ जाने के लिए नहीं बोला मैंने यहाँ पे जो बड़ी हुई है जिनको भी नया ठिकाना है मतलब तुम्हारे पास क्या जो बनी भी है वो दिखाओ ना कब तक की है प्रिंट आउट दिखा रहे हो जिल्द किसको बोलते हैं जी को तो बोलते हैं आप जिल्द किसको बोल रहे हो हाँ तो कब तक का बना चुके मैं तो देख रहा हूँ मैं कब तक का मालूम है कि हो रखा है काम ये किस डेट तक पूरी है क्यों मैडम आपको नहीं मालूम कब तक की बनी हुई है लेटेस्ट 17 तक की बनी है 17 वर्ष 2017 तक 18 की बनी ही नहीं है नहीं, तो चलिए दिसंबर 17 की दिखाई चौबे क्यों दिखा रहे हो भैया तुम मुझे सत्रह की लाता और ये जो आप फोटो लेते थे संपत्ति की वो कहाँ पर लग के आती है आजकल डॉक्यूमेंट में आज वाली होंगी ना ये कब कब बैठता है यहाँ बैठने का दिन कौन सा सर डेली आते हैं सुबह 10 बजे तक आते हैं 10 पे आता है जाता कब सर जाता कब किसने तय किया कभी भी कहीं भी जा सकता है फिक्स क्यों नहीं है मतलब उसकी मर्जी है नौकरी करे जब ना करे तो किसने कर रखा है मैडम ललित जो मैं आप सब स्टार ऑफिस में आया हूँ ये जो गोनियाल करके आपका सीआरसी है नहीं यहाँ का भी तो चार्जेस के बस हरिद्वार का हरिद्वार वाले दफ्तर में आया हूँ तो इसका कोई वो दिन ही फिक्स नहीं है कब बैठना है कहाँ बैठना है क्या बैठना है कौन ही आई जी मैं तो नहीं जानता कौन महेश द्विवेदी मैं तो देखा भी नहीं आज तक और वो कहाँ बैठता तो बैठता कहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि गोनियाल को कोई टाइम ही नहीं हो किसी भी दिन कहीं भी जा सकता है गोनियाल तो यहाँ पे है ही नहीं मैं तो उसी के दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ कौन महेश महेश द्विवेदी तो नहीं है मेरे सामने ये कहाँ बैठता है तो मैं तहसील में तो हूँ कहाँ बैठता है कहाँ बैठा हुआ है चेंबर तो है खुद वो ये खुद भी नहीं है मैं यहाँ पे 4:45 पे आ गया था ये खुद भी नजर नहीं आ रहा है सब फ्री की नौकरी कर रहे हैं तनख्वाह ले रहे हैं बिना काम किए
उसको बोलो जहाँ भी सीधे पहुँचे तहसील और गया कैसे, सबसे पहले वेतन भी रोक दो उसका, आज वेतन तो अभी तुरंत ही रोक दो। आप चैंबर नीचे? नहीं मैडम मैं भी नीचे ही मैडम, मैं पूछ रहा हूँ मैं। हाँ मैं नीचे ऊपर ही ऊपर सेक्शन, मतलब रेस्क्यू वेस्टिंग वगैरह की पड़ी है, वगैरह कहाँ पड़ी रहती है। आज की रजिस्ट्री दिखाइए, कल की दिखाइए, और जो अभी तक रजिस्ट्रीज आपने नहीं, आप कहते हैं कि वकील साहब ले जा ही नहीं रहे हैं, उनको ले जाना ही नहीं है, वो भी दिखाइए। आपके क्लास वो है ना, डेट वाइज लगाइए आप। पार्टी का दफ्तर है कि आपका दफ्तर है? पार्टी ऊपर नीचे कर देती है, काम किसका ठीक करना? ये तुमने किस कहाँ भाग्य तुम्हारे से सिर में लक्सर रोड पर गया था विजिट करने के लिए। कौन सा विजिट? चाहते हैं उसमें सर्कुलेटरी वाइज में देखने का क्षेत्र में क्या हो रहा है, डिप्लोमी की कार्यवाही हो रही है। लक्सर रोड से आ रहे हो? जी सर। वहीं से पहुँचो? जी सर। कब पहुँचो? सर मैं जस्ट आ ही रहा हूँ। अभी कौन कौन से गाँव देखा, नाम लिखो उनके, रेवेन्यू विलेज। सिर्फ दो जगह गाँव गया, एक तो ऊपर का सिर्फ उसका नाम लिखो गाँव शेरपुर, एक पड़ता है उसके अंदर पड़ा गया इंटरमीडिएट कल्चर एरिया भोपाला करके। भोपाला सर किसी से नहीं मिला, बस विजिट करने गया था। कैसा है, क्या देखना है? ये डिप्लोमिंग कार्रवाई हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड कैसी है यहाँ पे, क्या हो रहा है, कौन कौन से गाँव बताया आपने? गन्ने की खेती ज़्यादा हो रही है। कौन कौन से गाँव बताया? एक शेरुपुर से मुड़ा में भोप वाला पड़ा है, पहले गाँव एक पड़ा बादशाहपुर। भोप वाला? भोपुर ऐसा कुछ है, और भोपुर या भोप वाला है याद नहीं आ रहा है। उसके बाद पड़ा है लिखा है सर प्राइमरी स्कूल पर लिखा हुआ है। प्राइमरी स्कूल में गया था? नहीं स्कूल में नहीं गया सर, रोड रोड जा रहा था मैं। हाँ गए कब थे, लौटेगा सर? गया हुआ तीन बजे के आसपास। अभी लौट रहे हो? जी सर। कैसे गए थे? अपनी गाड़ी से। ये जो गोनियाल आपका क्लर्क है, इसमें क्या ड्यूटी है? सर सीआरसी है। कब कब ड्यूटी है उसकी? सर उनके पास रोड की थर्ड काफ़ी चार्ज है, और यहाँ सीआरसी ड्यूटी पूछ रहा हूँ कब कब है, कब कब दिन कहाँ कहाँ बैठना है, उससे क्या हिसाब किताब है? सर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं होता, कि कभी डीआर के पास जाते हैं जो मेरा काम होता है, मैं बुलाता हूँ। कौन डिसाइड करेगा उसे कब कहाँ बैठना है? डीआर करेंगे। एटीएम सर। एटीएम कह रहा तुमने नहीं किया? तुम्हें हाँ तुम्हारी गलती, तुम्हें नहीं किया, तुम्हें बस कभी डिस्ट्रिक्शन नहीं था। कोई बात नहीं सर, मैं कोई डिस्ट्रिक्शन जिस मर्जी जिस दिन वो मर्जी जहाँ मर्जी बैठे, मतलब जब आए और जब जब चाहे जब आए जब चाहे चला जाए। तो ठीक है सर मैं ऑर्डर कर देता हूँ, अगर मुझे कह रहे हैं तो मैं कर देता हूँ। और ये इनमें जो आपने गांव में देखा क्या चेक करने गए थे? बस सर मैं अगर विजिट करने गया था, क्योंकि मैं नया हूँ तो एरिया देखने के लिए गया था। आप कब जॉइनिंग है आपको? सर अप्रैल में आया था। हाँ जी अप्रैल में। सिविल सर तक नया ही गिन रहे आपको? क्षेत्र में भी नहीं गया था। हाँ तो चूँकि रेट रिवाइज होना है। क्या है वहाँ का रेट इन तीन गाँव में? तो बताओ कृषि का हेक्टर रेट बताइए सर। मैडम आपकी बड़ी पुरानी रजिस्ट्री पड़ी है, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 18 सितंबर, क्यों है ऐसा? जब मैं विजिट कर चुका हूँ एक बार, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है? जब मैं इंस्पेक्शन नोट लिख चुका हूँ कि ये पुरानी रजिस्ट्री नहीं पड़ी रहनी चाहिए, क्यों पड़ी इतनी पुरानी रजिस्ट्री? सर हमने वहाँ नोटिस भी चस्पा कर रखा है कि आप अपनी रजिस्ट्री लेकर के नहीं लेते, नहीं लेने आते हैं ये, यहाँ वापसी में इकट्ठी करते, इसीलिए रखी हुई है कि यहाँ से लोग कलेक्ट करते हैं। आपका भी तो सर मैच नहीं कर रहा है, पूरा यही ना आपका? कल छुट्टी है, संडे को ऑफिस आओगे आप तो, और ये पूरे बनाओगे कितने इसमें साइन नहीं है, और ये प्रोडक्ट पढ़ोगे इसकी भी लिस्ट बनाओगे, किस किस डेट की किस किस की प्राप्त नहीं करा रहा, तारीख लिखोगे, किस तारीख की रजिस्ट्री है, नाम लिखोगे, और इसमें से जितनों में भी साइन नहीं है रिसीविंग के, उसको हम मानेंगे कि इन्हीं के पास रखी हुई है, ठीक है? जिसमें भी सिग्नेचर नहीं है संपत्ति का, हम मानेंगे कि इन्हीं के पास पड़ी हुई है, क्योंकि रिसीव नहीं। हाँ अब दिखाइए स्कैनिंग वाला, स्कैन वाला कहाँ है आपका क्लर्क? बोलिए स्कैन का सिस्टम, स्कैनिंग कब कब होती है? मतलब जो कल रजिस्ट्री हुई आज सारी स्कैन हो जाती है? पहले मैं पूछ रहा हूँ तुमसे किस तारीख तक का स्कैन हो चुका है? सर 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर कर चुके हो ना डॉक्टर? दिखाओ खोलो, आप लोगों का कोई कैटलॉग करने का सिस्टम इसका? ये ऐसे बनती है कैसे ढूंढोगे इसको? बताइए मैडम की कंपटीशन।
मैडम आप क्या कर रहे हो, कुछ क्या रह गई है ये? अब बताइए इसमें हम कैसे पता लगाते हैं कब की जिंदगी मैडम? उसका फायदा क्या हुआ ऐसे काम करने का जिसका कोई बेनिफिट नहीं? आप इसको मुआयना कैसे करेंगे बताइए? उनकी तनख्वाह रोकी जाती है, जब ये पूरा करके देंगे उसी तारीख को तनख्वाह रिलीज होगी। ADM सत्यापित करेंगे कि जिल्द बन चुकी है, सब में कैटलॉग हो गया, तब तक के लिए इनका महेश द्विवेदी का इन सबका वेतन रोका जाए, शाम तक बना देना। कोई इरादा भी तो पूरा भी तो करोगे मैडम इसमें? ये अगर आप काम लग के कर लेंगे, मुझे नहीं लगता ये एक दिन से ज़्यादा का काम, केवल एक ही दिन का काम है, आप ध्यान से करेंगे, जस्ट वन डे, वन डे में से मैं खुद भी कर सकता काम। या उसने कहा 17 तक बन चुकी है ना पूरी, ये तो बोला था उसने। 17 की दिखाओ, 17 की आपको अपने ऑफिस का भी नहीं मालूम, आपको 10-12 तो विभाग देखने नहीं, एक ही देखने अपने भी नहीं पता। बाइंडिंग का बाइंडिंग क्या चीज? बाइंडिंग का बाइंडिंग कब तक का आपका पूरा? सर ये हमारा 16 तक बाइंडिंग हो रखी है। 16 दिखाओ, 16 किस हिसाब से लगाए आपका क्या है इसमें? कैसे पता है 16 आई, कैसे मान लिया हम की 16 आई? नहीं लिखा जाता है, आपको कैसे पता 16 का? आपने तो दिया मेरे हाथ में 16 का। सर अंदर से पता चला, अंदर से कैसे? अब मुझे 16 तक कंप्लीट है ना ये? 16 तक कंप्लीट है या नहीं? दिसंबर 16 का आपका मैडम 16 तक कंप्लीट है या 17 तक कंप्लीट है? 17 तक कहाँ का मैम? किस आप भी दिसंबर 17 का दिखाई तो दोबारा तब तक आप मुझे दिखाइए तहसील तो मिशन मुझे भी पता है 17 की, मैं पूछ रहा हूँ दिसंबर 17 की चाहिए। बड़ा मुस्कुरा रही है, बड़ी खुशी हो रही है अपने कार्य हल्का स्माइल करने वाली बात तो नहीं, अगर आपको बड़ा अच्छा लगा हाँ मिस्टेक को स्माइल करने वाली बात नहीं, ठीक है दुरुस्त करोगे लेकिन एडवर्स एंट्री से बचोगे नहीं, एडवर्स एंट्री तुम्हारी रहेगी रहेगी, प्रमोशन नहीं होगा इसी पोस्ट पर रहोगे। मैडम ये अगली ही बार है, वो पिछली बार वाला था, अगली के बाद अगला नहीं होता। जब आप जब मैंने लास्ट टाइम किया था तब आप अगला कह सकते हो, ये तो पिछले का अगला है। और हमारा अगला हमेशा बिना बताया ही होता है, ये मत समझिएगा अगला भी हमारा बता दो। देखिए मैंने पिछली बार भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय का निरीक्षण किया था और मैंने 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट बोली थी इसमें। पहली बात तो ये कि जो रजिस्ट्री होती है वो ज़रूर पार्टी को प्राप्त हो जाए, ऐसा ना हो कि 2 महीने पुरानी, 3 महीने पुरानी, 4 महीने पुरानी रजिस्ट्री कार्यालय में पड़ी है। यदि ये पड़ी रहती है तो इस बात को दर्शाता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आज मैंने यहाँ पे पाया तो एक कार्यालय में लगभग 60 और एक में लगभग 88 रजिस्ट्रीज मौके पर पड़ी हुई मिली जो निस्तारित नहीं है, पार्टीज को नहीं मिली हैं। दूसरी बात, जो प्राप्ति रजिस्टर होता है उसमें कंसर्न पार्टी का, कंसर्न अधिवक्तागण का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि उनको दे दी गई है। ऐसा भी नहीं है, वो रजिस्टर तो दोनों मैंने अपनी कस्टडी में ले ली है और मैंने तहसील स्टाफ से कहा है कि वो बताएं कि कितने साइन अभी छूटे हुए हैं इसमें, ताकि पता चले कि कितनी पेंडेंसी है। और तीसरी बात ये है कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं स्कैन होकर सिस्टम में चढ़ने चाहिए, उसको तो कभी मैं देख रहा हूँ खैर कितना अद्यतन हो। और चौथी चीज़ ये है कि जो ये रजिस्ट्रीज होती हैं इनकी हार्ड कॉपीज़ भी हम जल्द बना के रखते हैं, ताकि कभी आपका सिस्टम क्रैश हो जाए तो आपके पास हार्ड कॉपी भी रहे। उसको भी यहाँ पे रखने का कोई सिस्टमैटिक तरीका मैं नहीं देख पा रहा हूँ, कोई महीने का हिसाब नहीं है, साल का हिसाब नहीं है। और ये सब देखते हुए मैंने यहाँ पे जितने भी हमारे सब स्टार्स हैं और AIG हैं, सबकी तनख्वाह रोक ली है और क्लर्क्स की भी रोक ली है। और जब ये ठीक करने के बाद मुझे रिपोर्ट देंगे हाँ साहब सब कुछ ठीक हो चुका है, और ADM इसको चेक कर लेंगे, ADMFR और ADMFR सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ सब ठीक ठाक है, उसके बाद ही इनका मैं वेतन रिलीज़ करूँगा। और इसमें मैं ज़रूर इसमें अनुशासनिक कार्रवाई भी प्रस्तावित करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा दूसरा मुआयना है और दूसरे में भी यही काम है। जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर लोगों को काफ़ी काम यहाँ रहते हैं और उसमें ऐसे कार्य। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लैंड के और सर्टिफिकेट्स के काम तो तहसील से होते हैं, ये मेजर हमारा एक तरह से आप कह सकते हैं कि सर्विस डिलीवरी का सेंटर भी है।
तो इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसीलिए ये इंस्पेक्शन समय समय पर किए जाए। आगे क्या सख्त निर्देश दिए जाएंगे? मेरे ओर से निर्देश ये हैं कि सबसे पहले तो अपने कार्यालय में जो हो रहा है पारदर्शी हो और कोई भी पेंडेंसी ऐसी ना हो जो जस्टिफाई ना कर सकें आप। एक दिन की देरी, दो दिन की देरी, छुट्टी बीच में आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी तो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा जो भी अगर चीज़ पेंडेंसी में है तो वो निहायत मैं समझता हूँ कि गलत चीज़ है। कुछ अधिकारी अभी अपनी ड्यूटी पर भी नहीं पाया गया है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? इसमें केवल AIG मुझे मौके पर नहीं मिले थे, इनका कहना है कि एक दो चार गाँव में गए थे देखने के लिए, मैं उसकी पुष्टि वहाँ से करवा लूँगा और यदि वो पुष्टि हो जाती है तो मैं उनका कोई वेतन नहीं लूँगा।